अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, अब है हमारा हफ्ता नंबर 11 और लेक्चर नंबर 1, लेकिन हम अपने पिछले सबक का पहले अयादा करते हैं। गुज़िश्ता सबक का अयादा हफ्ता नंबर 10 में कौन सा सबक पढ़ा गया बताइए, सोचिए, जहन पर जोर डालिए। शाबाश जी, बिल्कुल अल्लाह ताला के हकूक पढ़ेंगे। सबक अल्लाह के हकूक पढ़ा गया जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत अनगिनत बहुत ज्यादा है काउंटलेस नेमतें अता की हैं। हम अल्लाह के एहसानात को ना गिन सकते हैं ना ही इनका बदला दे सकते हैं। इसलिए हर इंसान में फर्ज है कि अल्लाह के एहसानात को जाने पहचाने और इसके हकूक अदा करें जो ये हैं। अल्लाह को अपना मामूद माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, उसे अपना खालिक व मालिक माने, जिंदगी के तमाम कामों में अल्लाह के आखिरी रसूल की पैरवी करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अल्लाह ताला के हकूक हैं। अब बच्चों, अल्लाह ताला के हकूक जो हमने पढ़ा, अगर हम इन्हीं बातों पर अमल करेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब आते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ जो हमें अपने सबक की तरफ लेकर जाएगी। इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का काम कैसे शुरू किया, कैसे शुरू किया था? जी बिल्कुल खुफिया तरीके से, सिर्फ चंद करीबी साथियों को इस्लाम की दावत दी थी। अगला सवाल है, दावत इस्लाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन सी मुश्किलात थी? कुफारे मक्का मुसलमान पर जुल्म व सितम करते थे, बिल्कुल सही है, अजियतें देते थे, बिल्कुल सही। नबी करीम ने मुश्किल हालात का मुकाबला किस तरह किया, किस तरह किया? डट का मुकाबला किया, इस्लाम के राह में जो रुकावटें आई, जो तकलीफें आई, लोग उन्हें दीवाना कहते थे, मजनू कहते थे, लेकिन आप अपने रास्ते से नहीं हटे और अल्लाह के दीन को लेकर चलते रहे। तो हमारा आज का सबक है, देखते हैं कौन सा। अब हमारा बाब नंबर सोम सीरत तैयबा और सबक का नाम है कुरैश की मुखालफत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी, सफा नंबर 35, 36 और 37। सबसे पहले आते हैं तदरीस मकासिद की तरफ। तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुरैश की मुखालफत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी के बारे में जान सकें, सबक के मुश्किल सवालात और इमला कापी पर खुशखत कर सकें। अब मैं सबक की बुलंदखानी करूंगी। बच्चों, आपने सबक को गौर से सुनना है। कुरैश की मुखालफत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। जब आम दावत का सिलसिला शुरू हुआ था, कुफार और मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दुश्मनी शुरू की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करते, बुरी जुबान इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते और मजनू कहते, मजनू दीवाना कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते, यानी हर तरह की तकलीफ देते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते पर डटे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दिलसोजी से कुरान मजीद की तिलावत फरमाते कि जो भी सुनता वो मुतासिर हो जाता, इसलिए कुफारे मक्का तिलावत के दौरान शोर शराबा करते ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत ना सुन सकें। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें देते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सहन में नमाज अदा कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कुरैश के लोग बैठे हुए थे कि उकबा बिन अबी मुईद कहीं से ऊंट की एक वजनी ओझड़ी लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर फेंक दी, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आकर हटाया। कुफार ये तकलीफें इसलिए देते थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देना छोड़ दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत साबित कदमी से इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला फरमाया और दीन इस्लाम की दावत के काम को जारी रखा। अब सहाबा साबित कदम रहे, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें भी तकलीफ दी गई। देखिए, कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी अज़ियतें देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे।
इसके बावजूद सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु तआला को ईमान से मुतज़लज़ल ना कर सके और वो मरते दम तक इस्लाम पर साबित कदम रहे। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला को कुरैश दहकते हुए अंगारों पर लिटा देते, दहकते हुए जले हुए पूरे रेड हुए होते हैं, सुर्ख रंग के अंगारे हुए होते हैं, और एक शख्स आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की छाती पर पांव रखकर खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कमर के जख्मों से वो अंगारे भूज जाते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया उन्हें गर्म रेत पर लिटाता, भूखा प्यासा रखता और सख्त तकलीफें देता। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गले में रस्सी डालकर घसीटता, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जुबान से आहद आहद का कलमा निकलता। हज़रत उस्मान गनी को भी अपने चचा के हाथों बहुत अज़ियतों से गुजरना पड़ा। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनकी अहलिया हज़रत समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस्लाम लाने पर अबू जहल ने शहीद कर दिया और इनके बेटे हज़रत तमार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी सख्त अज़ियतें दी गई। इन सब तकालीफ और मज़ालिम के बावजूद हजूर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की साबत कदमी और इस्तकलाल में रत्ती भर कमी ना आने दी। कुरैश मक्का की मुखालफत के असबाब। कुरैश मक्का के सरदारों को खतरा था कि अगर इस्लाम फैल गया तो इनकी सरदारी ख़त्म हो जाएगी। वो अपने अबाउजाद के दीन को नहीं छोड़ना चाहते थे और वो छोड़ना पड़ेगा उन्हें। इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है, जबकि कुरैश बुतों की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने खाना कब में 360 बुत रखे हुए थे। कुरैश मक्का कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी रिश्ते को क्यों नहीं नबी मुकर्रर किया। कुरैश मक्का अपनी जहालत और तअस्सुब की बिना पर इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते थे। अच्छा बच्चों, ये दो बॉक्सेस हैं, देखिए पहले बॉक्स में है हज़रत सुमैया इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून थी। नंबर दो बॉक्स पे है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तकलीफ क्यों दी जाती थी दीन इस्लाम की वजह से, कि इस्लाम के दीन को, जो इस्लाम हमारा दीन है, मजहब है, उसे ना फैलाएं। यही वो चंद बुनियादी असबाब थे जिनकी वजह से कुफ्फारे मक्का ने दीन इस्लाम की शदीद मुखालफत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़ुल्म व सितम की इंतहा कर दी, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें साबित कदम रखा। बच्चों, सबक आपने गौर से सुना, अब हम आएंगे मारूजी हिस्से की तरफ, आपने उसे ध्यान से देखना है और हल करना है। बच्चों, अब आते हैं जहनी आजमाइश हिस्सा मारूजी की तरफ। सबक आपने गौर से पढ़ा है, आप इस हिस्से को पेंसिल से हल करेंगे। पहले आपके सामने है कि पहले आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है, फिर खाली जगह पूरा है, फिर कॉलम मिलाएं, या आप बैठें सोच के सबक को एक बार फिर पढ़ें और इसको हल करने की भरपूर कोशिश करें। अब आते हैं इमला के अल्फाज की तरफ। साबत कदमी, दिलसोजी, अजियतें, मुतज़ल्ज़ल, उजड़ी, मजनू, शोर शराबा, बदकलामी, दहकते अंगारों, तकलीफ, इस्तकलाल, जहालत, तासुब, असबाब, जुल्म व सितम, मुसीबता, अबाव अजदाद, सरदारों, कलमा, बुज, मुजालिम, बुनियादी और मुखालफत। आप इन अल्फाज को खुशखत करके लिखेंगे, मार्जिन लाइन का खास ख्याल रखेंगे। बच्चों, पैराग्राफ भी आप इसी तरह लिखेंगे, टू फिंगर स्पेस छोड़ के, और पैराग्राफ लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है। अब है मश्की सवालात। ये पांच सवालात हैं बच्चों, आप पांच में से पहले दो सवालात हैं जो लिख के करेंगे, इन्हें कॉपी पर करेंगे और याद आप सारे सवालात करेंगे। इन सारे सवालात में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। बच्चों, ये दो सवालात हैं जो आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। सवाल नंबर एक, नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल हालात का मुकाबला किस तरह किया। सवाल नंबर दो है, कुफार मक्का कुरान करीम की तिलावत के दौरान शोर शराबा क्यों करते थे। ये दोनों सवालात और इनके जवाबात आप अपनी कॉपी पर करेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। आपकी आसानी के लिए नोट्स भी दे दिए गए। अब नोट्स में देखें, पूरे सबक को कवर किया गया है, बीच में एक दो एक्स्ट्रा सवाल भी दिए गए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब है जी घर का काम। आपने किसी बड़े की निगरानी में सबक की दो से तीन बार पढ़ाई करनी है। सबक अल्लाह के हकूक की इमला याद करके कापी पर किसी बड़े की मदद से करना है। सबक कुफारे मक्का की मुखालफत और आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबत कदमी की इमला कापी पर खुशखत करें। सबक के तमाम मशकी सवालात अच्छी तरह याद करें।
सवाल नंबर एक और दो कापी पर खुशखत करें। बच्चों आप पे बर्डन ना हो, बोझ ना पड़े, इसलिए हमने एक या दो सवाल दिए ताकि आप लिखें और बाकी याद करें। इस सबक को याद करने के साथ साथ इन्हें बाकी भी दोहराई करें। खिदमत खल्क, नुज़ूल वही और दावत इस्लाम इनका टेस्ट होगा। आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें और टेस्ट के लिए तैयार रहें। बच्चों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।